हेलो, हाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज हीना, आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं कर रही हूँ मोदक सीरीज, जिसमें मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स के मोदक बनाए हैं। और आज है डे 9 और आज हम बनाएंगे फ्राइड मोदक। लेट्स स्टार्ट। एम आई ऑडिबल? तो आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड मोदक। फ्राइड मोदक के लिए सबसे पहले हम गूंदेंगे उसका डो। यहाँ मैंने गूंद के रखा है। तो यहाँ मैंने ये हाफ कप फ्लावर लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा। इसके अंदर हमने डाला 1 बड़ा चम्मच घी। 1 बड़ा चम्मच हम घी डालेंगे और इसको अच्छे से रब कर देंगे और फिर हम इसको मिल्क से नीट कर लेंगे। और इसको मिल्क से नीट करेंगे हम इस कंसिस्टेंसी का। अब देखेंगे ये इस कंसिस्टेंसी का हमें नीट करना है और इसको फिर 15 मिनट तक रेस्ट करना है। ना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए। ओके, हेलो पारुल, हेलो जनेट, हेलो, हाय एवरीवन, हेलो संगीता, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ हमने फ्राइड मोदक के लिए आटा मैंने ऑलरेडी गूंद लिया है। मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाला और इस कंसिस्टेंसी का मैंने आटा गूंद दिया। आपको मैं प्रेस करके दिखाऊं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब देखेंगे मैं फिंगर टच कर रही हूँ, मैं प्रेशर लगा रही हूँ तो ये इतना ही अंदर जा रहा है। तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का डो है। और इसको मैंने आधा घंटा पहले नीट कर लिया था और इसको अच्छी तरह से मसल के मैंने इसको क्लिंग रैप करके रख लिया था। तो इस तरीके से जब हमें मोदक बनाने होंगे तो हम डो अपना रेडी कर लेंगे। आप आटा भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ हमने बना लिया डो। अब हम बनाएंगे फिलिंग। जब तक हमारी जो डो है वो रेस्ट करेगा, फिर हम बनाएंगे फिलिंग। यहाँ पे मैंने लिया है अमूल का खोया। 2 बड़े चम्मच मैंने अमूल का खोया लिया है। ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच नारियल, जिसको मैंने थोड़ी देर दूध में भिगो दिया था। तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लाइक ड्राई होता है ना, वो काफी थोड़ा कोर्स लगता है, इसलिए उसको सॉफ्ट फ्लेवर जैसा ये खोया होता है उस टेक्सचर का आने के लिए मैंने जो नारियल है उसको पानी में भिगो दिया था। दूध में, गर्म दूध में थोड़ी देर भिगो दिया था। लाइक 1 चम्मच दूध मैंने डालकर उसको मिक्स करके रख लिया। तो वो जो नारियल है वो उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, जैसे नारियल भीग गया है। और इसमें डालेंगे हम काजू, बादाम, किशमिश, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। और उसको क्रश कर लीजिए। और डाला मैंने इसमें केसर और इलायची। और डाला मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी। तो ये मैंने कुक करके इस तरीके से बना के ठंडा कर लिया है। तो इसके आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे अब लाइव में। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है। इसको आपको इन सब चीजों को पैन में डालना है। आधा स्पून घी डालकर इसको आपको भून के ऐसे ड्राई कंसिस्टेंसी पे ले आना है। जो आप शुगर डालेंगे उसका पानी भी आप सुखा देंगे। तो ये इस तरीके के टेक्सचर का हो जाएगा। ये इतना ही क्वांटिटी मैंने सब कुछ लिया था, मैंने हाफ कर लिया था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, क्योंकि लाइव में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको कुक भी करें और उसको ठंडा भी करें और फिर हम फिलिंग करें। तो फिलिंग के लिए मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ये है खोया, ये है नारियल, ये है काजू, बादाम, किशमिश, इलायची और केसर। और एक बहुत छोटा चम्मच, 2-3 ड्रॉप्स समझ लीजिए घी की डाल के उसको हमें थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम शुगर डालेंगे। शुगर डालकर भी हम उसको थोड़ा सा सुखाएंगे। और फिर उसके बाद जब वो सूख जाएगा शुगर का पानी भी, तो फिर जब ठंडा करेंगे तो वो इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। तो ये रिजल्ट ये आएगा उसका। तो ये बहुत अच्छी हमारी ठंडा होके ये फिलिंग रेडी हो गई है। तो अब हम स्टार्ट करें मोदक बनाना। और यहाँ पर मैंने शुगर और वाटर का एक सिरप बनाया है, ये चाशनी बना ली है मैंने। तो ये भी रेडी है मेरी। इसमें मैंने एक कटोरी में आधी कटोरी पानी डाला और थोड़ा सा केसर डाल के इसको बॉईल कर दिया है 10 मिनट्स के लिए। तो ये हमारी शुगर सिरप रेडी हो गया। अभी थोड़ा होए, एक तार इसकी चाशनी बननी चाहिए, एक तार की। अभी और बॉईल होने मैंने छोड़ दिया है जब तक हम बना लेते हैं मोदक। तो स्टार्ट करें बनाना। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे से इसके पेड़े काट लेंगे मोदक बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये एक छोटे लेमन से भी थोड़ा छोटा साइज का काटा है और बॉल, और इसको हम बेल लेंगे चकला बेलन पे। आप रोलिंग पिन पे डालकर इसको बेल लें। तो यहाँ मैं इसको बेल लूंगी। तब तक हम रख देते हैं घी को गरम होने। बाय द टाइम हम ये मोदक बनाए, मैं घी को रख देती हूँ गरम होने के लिए, फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैंने पैन में घी डाल लिया है और इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक हम मोदक को फिल करेंगे तब तक हमारा घी गरम हो जाएगा। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये हम इसको बिल्कुल मतलब काफी थिन बेलेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि जो मोदक की कवरिंग है वो कच्ची रहे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रखूंगी। तो यहाँ ये हमने बेल लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी ये फिलिंग जो हमने अभी बनाई, और उसके बाद इसको इस हैंड में ले लेती हूँ। और उसके बाद हमें क्लीन हैंड से इसके कॉर्नर बनाते जाना है। 1 2 3 इस तरीके से हम कॉर्नर बनाएंगे। तरीके से हम इसको एक पोटली बना लेंगे और इस तरीके से हम इसको पिंच कर लेंगे कि ये बिल्कुल मोदक की शेप का आ जाए। अगर प्लीट डालनी मुश्किल लग रही हो तो इस तरीके से पिंच करके भी हम बना सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि ये अच्छे से सील हो जाए। तो यहाँ हमने मोदक बना लिया है, उसको मैं अच्छे से पिंच करके सील कर लूंगी, जैसे फ्राई करते वक्त ये खुले ना। और इसको हम एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई ना करना हो तो आप इसको एयर फ्राई कर लें। आई थिंक एयर फ्राई में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट अभी मैंने घी गर्म करने रख दिया है, तो हम डीप फ्राई करते हैं। तो इसी तरीके से एक और मैं बॉल ले लूंगी। इसको हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेल लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसको पिंच करें तो हमें इसके साइड्स पे पानी लगा देना चाहिए, जैसे ये खुले ना। जिस तरीके से हम समोसे को सील करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको पानी लगा लेती हूँ थोड़ा सा, जस्ट टू बी वेरी श्योर कि जब भी हम मोदक को फ्राई करें वो घी में खुले ना। आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि इसको मुझे इस तरीके से सील करना चाहिए कि जैसे ये बिल्कुल भी खुले ना। जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुलना नहीं चाहिए। देख रहे हैं कैसे बन रहा है मोदक लाइन से। बस ये जो पिंचिंग है ये हमें बहुत प्रॉपर करनी है कि जब हम इसको फ्राई करें तो ये पोटलियां हमारी खुलनी नहीं चाहिए। डीप फ्राइंग में ये सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये खुलने नहीं चाहिए घी में जाके, वरना सारा घी हमारा खराब हो जाएगा। इसमें मैंने पानी नहीं लगाया था बट स्टिल मैं दोनों फ्राई करूंगी। लेट्स सी विच कम आउट, कौन सा मतलब बेटर और ठीक निकलता है। तो यहाँ लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा घी हमारा गरम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये मैंने इसको फ्राई में रख दिया है, देखेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये हमारा घी ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। बट जितना हो सके पहले थोड़ा सा लो करना पड़ेगा हमें इसके घी को, सॉरी टेम्परेचर को घी के। वैसे हमारी कवरिंग पतली है तो ये सिक जाएगी जल्दी, अगर कवरिंग मोटी होती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, वरना अब इसको हम लो फ्लेम पर ठीक से सिकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं और भी रोल कर लेती हूँ तब तक, जब तक ये फ्राई हो गए। और ये बिल्कुल नहीं खुले हैं, प्रॉपरली सील हैं। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोदक। और इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। नहीं कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही वैसे तो। यहाँ ये देखिए हमारे मोदक रेडी हो गए हैं और मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है तो आप इसको चाशनी में डालें, वरना आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमने जो मोदक बनाए हैं इसको मैं, ये जो मैंने ये चाशनी बनाई है, मैं इसके अंदर से एक बार डिप करके निकाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, जो ये कवरिंग है ना ये भी हमारी मीठी हो जाएगी। बहुत 2 मिनट ही हमें इसको ऐसे करके निकालना है और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे इसको इस तरीके से। तो ये हमारे स्वीट मोदक रेडी हो गए। तो ये फ्राइड मोदक हमने बना लिया है और बहुत ही फटाफट बन गए हैं ये। तो आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी एंड आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी। फिलिंग इसकी बहुत ही टेस्टी बनी है, इसमें बहुत अच्छा खोए का, नट्स का और कोकोनट का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट है। उसके बाद जब हमने इसकी कवरिंग जो बनाई है वो भी बहुत ही अच्छी बनी है। मैं एक पीस तोड़ के दिखा देती हूँ, वैसे थोड़ा ठंडा होए फिर ही हमें तोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, अंदर से बहुत ही अच्छा मॉइस्ट जूसी, क्योंकि जो हमने शुगर वाला खोया इसमें डाला था इससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है। और जो बाहर की कवरिंग है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है, लाइक जैसे गुजिया की होती है ना उस तरीके से है, लेकिन वो थोड़ी सी कवरिंग मोटी रहती है, ये काफी पतली है। यस, क्रिस्पी है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त एक और नए फ्लेवर के साथ। आप लोग बता सकते हैं कौन सा फ्लेवर देखना चाहेंगे आप नेक्स्ट। कोई मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हमने पंच खाद्य मोदक बना लिया, हमने नो शुगर खजूर वाला बनाया, उसके बाद हमने बनाया चॉकलेट मोदक, उसके बाद हमने बनाया गुलकंद के मोदक बनाए, हमने गुलकंद और खोए के, और हमने बनाए पान मोदक, और हमने बनाए उकड़ीचे मोदक जो राइस फ्लार से स्टीम करके बनते हैं। आज हमने बनाए हैं फ्राइड मोदक, कल हमने बनाए थे कोकोनट मोदक, चॉकलेट हमने बना लिए, चॉकलेट के मोदक हमने बनाए थे, उसके पॉप्सिकल्स बनाए थे। कौन सा मोदक का फ्लेवर मैं मिस कर रही हूँ, आई थिंक मैं अब एक फ्रूट फ्लेवर का रेसिपी ट्राई करूँगी। तो लेट्स वेट कल के एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आता है। अच्छा, तो कल हम बनाएंगे कोई भी फ्रूट फ्लेवर, और अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि कौन सा फ्लेवर बनाऊंगी, बट मेरा एक्सपेरिमेंट्स ऑन है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए फ्लेवर के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। फॉलो मी ऑन इंस्टा, My Insta page is Hina Valecha. Good evening. Bye-bye.